आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर कोरिया में आज सुबह एक बार फिर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसकी जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना की तरफ से दी गई है। इस मामले पर दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि प्योंगयांग से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री जल क्षेत्र की ओर उड़ी। वहीं जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये मिसाइल जापान के द्वीप से 250 किलोमीटर दूर गिरी। इससे पहले ये लगभग 70 मिनट तक 6000 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरती रही। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि मिसाइल दागने की घटना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ है। साथ ही चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया को इस उकसावे की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब इस चेतावनी के साथ ही आपको बता देते हैं कि दक्षिण कोरिया ने जापान और अमेरिका के साथ मजबूत सुरक्षा सहयोग का आह्वान भी किया है, जहां उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास के बीच कई बार मिसाइल दागी। तो वहीं अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल जापान के दौरे पर जा रहे हैं। वो टोक्यो में एक शिखर सम्मेलन में भाग भी लेंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया और अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर सहयोग पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि ये युद्ध समाप्त होता है या और बढ़ जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।